नौ दिसंबर को होने वाला हो और आज चार दिसंबर हो गया तो हम कैसे इन चार पाँच दिनों में पूरे इंग्लिश के पेडोगॉजी को पढ़ें एक स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं और इसके अलावा भी हमारा लाइव क्लास हर दिन एक बजे दोपहर को अड्डा टू फोर सेवन पर आता रहेगा उसको भी आप देखिएगा पेडोगलॉजी का जो भी है चार पाँच दिन का स्पेसिफिक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर के आ रहा हूँ साथियों स्टार्ट करने के पहले आप सभी लोगों से मैं बोलूँगा अगर ये अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर नहीं करते हुए इंग्लिश पेडोगॉजी इंग्लिश पेडोगॉजी में साथियों दो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे पहला जो एरिया होगा क्वेश्चन का इसमें एक चाइल्ड की लिसनिंग स्पीकिंग एंड रीडिंग के स्किल uh, के ऊपर काम करना होगा इसमें ये पार्ट्स आते हैं आपके जो होते हैं लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग जो क्वेश्चंस बनते हैं इस एरिया से इसमें यह पूछा जाता है कि सबसे जो डिफ़िकल्ट है लैंग्वेज का कौन सा पार्ट होता है लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग तो इसमें जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है वो राइटिंग का पार्ट होता है सबसे इजी या फर्स्ट टाइम चाइल्ड जो है वो लैंग्वेज को कौन से लैंग्वेज को सीखता है कहाँ से प्रारंभ करता है तो यहाँ पे आप जा सकते हैं आप देख सकते हैं लिसनिंग से स्टार्ट करता है लिसनिंग में बहुत सारे वर्ड्स को सेंटेंसेस को सुनता है अलग अलग कंसेप्ट को सुनता है और वहाँ से लैंग्वेज को एक्वायर करता है लैंग्वेज को सीखता है दूसरे पार्ट में हम चलेंगे जो ग्रामेटिकल पार्ट है ग्रामर के अंदर आप देखेंगे ग्रामर बेसिकली आपको जो तैयार करना है ग्रामर में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एड वर्ब प्री पोजिशन और कंजंक्शन के पार्ट को आप तैयार कर लेंगे यहाँ से सेंटेंस के अंदर अरेंजमेंट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दूसरा जो पार्ट है डिटरमाइनर्स है आर्टिकल है मॉडल्स है मॉडल्स और आगजलरी वर्ब आप इसको तैयार कर लेंगे शैल सुड मे माइट कैन कुड ये सारे मॉडल्स होते हैं ऑगजिलरी वर्ब क्या होते हैं ऑगजिलरी वर्ब मीन्स जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर् ये सारे वर्ब वर्ब्स को आप पढ़ के जाएंगे इसके अरेंजमेंट को देखेंगे इसके बाद एक्टिव वॉयस और पैसिव वॉयस सिनोनिम्स एंटानिम्स ये कुछ ग्रामेटिकल पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे आप देख सकते हैं इसके बाद अनसीम पोएम्स है पोएम के पार्ट से आप देख सकते हैं पोएम से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक पैराग्राफ होता है एक पोएम का एट स्टेंज दो स्टेंजा या तीन स्टैंड टू थ्री स्टैंड की पोएम होती हैं आप उस पोएम में आप देख सकते हैं क्या क्या मेन काम करना है आपको एक तो पोएम की थीम पोएम की थीम को आपको बताना होगा कि भाई पोएम की थीम क्या है बेसिकली नेचर के ऊपर है मर्सी के ऊपर है लव के ऊपर है किस चीज़ के ऊपर थीम है यह आपको थीम डिटरमाइन करना होगा दूसरा है फिगर ऑफ स्पीच आपको उसके अंदर डिटरमाइन करना होगा कि क्या है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच फिगर ऑफ स्पीच में जैसे आपने सिमिल के बारे में सुना होगा मेट है ये सब क्या है वहाँ से पोएम के अंदर पूछी जाती है चीज़ें तो इसको थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेंगे आप लोग ले एक बार गो थ्रू हो लेंगे ठीक है इसके बाद पोएट कौन है उस पर्टिकुलर पोएम को लिखने वाला पोएट कौन है तीसरा जो पार्ट है नेम ऑफ द पोएम पोएम का नाम क्या है पोएम कहाँ से आई है किसने दिया है ये कुछ मेन चीज़ें हैं जहाँ से आपको तैयार करके जाना है सी टेट के लिए इसके बाद अगला है कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है भाषा को कैसे एक्वायर करता है चाइल्ड जो मेन पेडोलॉजी का पार्ट है वो यही पार्ट है इन पार्ट से सवाल पूछे जाते हैं एक तो आपको जो साइकोलॉजी का जो जो पेपर है सी का है वहाँ से भी लैंग्वेज एक्विजिशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्लस लैंग्वेज वेदर योर लैंग्वेज विल बी हिंदी और इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज हो या इंडिया के जो 22 लैंग्वेजेस हैं उस लैंग्वेज में ये कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज जो एक्विजिशन है इसका पार्ट आपको अप्लाई करना है ठीक है जैसे मैं एक बार आपको एक फॉर्मेट बता देता हूँ फॉर एग्जाम्पल जीन प्याजे जीन प्याजे लैंग्वेज के लिए क्या बोलते हैं जीन प्याजे ने बोला लैंग्वेज जब बच्चे सीखते हैं तो डीप एसीमुलेशन करते हैं डीप मेंटल प्रोसेसिंग करते हैं मीन्स थाट जो है वो पहले होता है थॉट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग थाट जो है वो सबसे पहले आता है थॉट प्रोड्यूस होता है और वो थाट जो है वो फिर लैंग्वेज बन जाती है बच्चे की तो थॉट इज फर्स्ट एंड देन लैंग्वेज आकर्ष तो ये दिस इज द सिक्वेंस ऑफ जीन प्याजे जीन प्याजे ने स्कीमा की बात बोली एसिबिलेशन की बात बोली इसके थ्रू भी लैंग्वेज एक्वायर होती है चिल्ड्रेन के अंदर दूसरा जो पार्ट है दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फिलासफर ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिलासफर कार्ड नॉम चाम्सकी नॉम चाम्सकी इज़ एन अमेरिकन फिलासफर अमेरिकन लिंग्विस्ट फिलासफर के नाम से जाने जाते हैं क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एल क्या है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या होती है या किसने दिया तो ये जीन प्याजे ने दिया इस चीज़ पे साथियों ध्यान रखना है कि जीन प्याजे ने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस में क्या बोला लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस में इन्होंने बोला कि बच्चों के अंदर एक इन्नीट कैपेसिटी होती है जन्मजात कैपेसिटी होती है लैंग्वेज को एक्वायर करने की इसके बाद लैंग्वेज को एक्वायर करने में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चा जब भाषा सीखता है तो वहाँ के जो इन्वामेंट होता है वहाँ का कल्चर होता है ऑटोमेटिकली वहाँ का ग्रामर वो सीख लेता है ग्रामर सीखने के लिए किसी अलग से स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ऑटोमेटिक सीखता है और ये लैंग्वेज जो है वो एक इन्नीट कैपेसिटी होती है ऑटोमेटिक सीखता है ठीक है जैसे ही वो पैदा होता है लिसनिंग करता है फिर वो स्पीकिंग करता है रीडिंग करता है राइटिंग करता है तो ये उसके अंदर एक डिवाइस होता है उसके मैकेनिज्म होता है उसके माइंड के अंदर वहाँ पे चॉम्स्की ने ये बातें बताई नॉम चॉम्स्की का नाम ध्यान रखना है अमेरिकन लैंग्वेज फिलासफर है एल के बारे में बताया और एक ग्रेट लैंग्विस्ट फिलासफ़र इसके बाद आते हैं वाइगोस्की वाइगोस्की ने लैंग्वेज के लिए क्या बताया जी हाँ लेव सेमेनोविच वाइगोस्की एल एस वाइगोस्की इनका पूरा नाम है वाइगोस्की से सवाल लैंग्वेज में पूछे जाते हैं वाइगोस्की ने लैंग्वेज में दुनिया में एक बहुत बड़ा तहलका मचा दिया अब देखेंगे वाइगोस्की ने जो बताया वाइगोस्की का जो लैंग्वेज था इन्होंने बताया कि बच्चे जो लैंग्वेज सीखते हैं वो दो तरीके से उनके अंदर आती है लैंग्वेज और थाट दोनों एक पैरल प्रोसेस है लैंग्वेज एज वेल एज थाट ये दोनों अलग अलग और एक सेपरेट प्रोसेस है लैंग्वेज सोसाइटी से डेवलप होती है और थाट जो है वो बिल्ड करता है लैंग्वेज आने के बाद तो ये दोनों थाट और लैंग्वेज एक दूसरे से बीच बीच में कॉन्टैक्ट भी करते रहते हैं ठीक है जिसको हेलिकल लूप बोला गया है डीएनए की तरह एक दूसरे से ये मिल करके चलते हैं मतलब लैंग्वेज और थॉट मिलते रहते हैं सो डैट कि बच्चा अपने थॉट को और बेटर कर सके इसका एग्जांपल दिया प्राइवेट स्पीच का प्राइवेट स्पीच में वाइगोस्की uh, बताते हैं कि जब बच्चा अकेले में खेल रहा होता है अकेले में रहता है तो वो बोल बोल के खेलता है बोल बोल करके अपने कामों को करता है क्यों बोलता है क्योंकि अपने स्पीच के थ्रू वो अपने थॉट को करेक्ट कर रहा होता है तो उसको बोले कि गाइडिंग uh, मीडियम uh, होता है जो हमारा स्पीच होता है वो गाइड करता है हमारे थॉट को तो गाइड गाइड करना मीडिएशन मीडिएटिंग मीडिएशन का टूल ये सारी चीज़ें वाइगोस्की के लैंग्वेज से जुड़ती हैं प्राइवेट स्पीच इनर स्पीच ये सारी चीज़ें आपको वाइगोस्की में ध्यान रखना है यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे इसके बाद बी एफ स्किनर बी एफ स्किनर साहब ये मॉडर्न एंड रेडिकल बिहेवियरिस्ट थे इन्होंने भी लैंग्वेज के बारे में बताया कि लैंग्वेज जो है बच्चों के अंदर जो आती है वो लैंग्वेज जो एप्रिसिएशन से आती है जब बच्चे बोलते हैं तो हम उनको अप्रिसिएट करते हैं अप्रिसिएशन मीन्स री से रिलेटेड है जैसे ही हम रिनफोर्समेंट देते हैं या अप्रिसिएट करते हैं तो वो लैंग्वेज को डेवलप करता है वो खुश होता है और उसको बोलता है जैसे छोटे छोटे बच्चे कुछ बोलते हैं तो हम उनको शाबाशी देते हैं वेल डन बोलते हैं तो जिससे वो अपने लैंग्वेज को इम्प्रूव करता है साथ ही इंग्लिश पे की जो पैडोलॉजी है इंग्लिश लैंग्वेज की जो पैडोलॉजी है इंग्लिश में आपको दो पार्ट में डिवाइड करके इंग्लिश को पढ़ना है एक तरफ तो ग्रामेटिकल पार्ट है ग्रामर जो आपको टीचर्स ने पढ़ाया होगा ग्रामर क्लास में उसको आपको ग्रामर को ध्यान रखना है दूसरा पार्ट है आपका जो एक्विजिशनल कंसेप्ट है जिसमें आपके ये सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन पे आज नॉम चॉम्स की वाइगोस की एंड बी एफ स्किनर उनको पढ़ना है तीसरा पार्ट है आपका पोएट्री का जो आपके दो स्टेंजा या तीन स्टेंजा की पोएट्री आएंगी पोएट्री की थीम को समझना है उसमें उसके फिगर स्पीच को समझना है तो इस तरह से तीन पार्ट में आप लैंग्वेज को पढ़ेंगे साथियों हमारे पास सीटेड के लिए मात्र पाँच दिन बचा हुआ है और इस पाँच दिनों में हम बेटर स्ट्रेटजी के लिए आ, हर हर दिन हर अल्टरनेट दिन आपके पास लाइव में भी हम सी के क्वेश्चंस को भी लेकर आते रहेंगे दोपहर एक बजे से डेढ़ बजे तक जी हाँ दोपहर एक बजे से डेढ़ बजे तक सी के क्वेश्चंस को हम लेकर के आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम से सीधे रिलेटेड होंगे और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हम बताएंगे जिससे एग्जाम में आपको मैक्सिमम फ़ायदा होगा मैक्सिमम मार्क्स होंगे जैसा कि हमने पिछली भी क्लास में बहुत सारे सी के वीडियो लेक्चर्स वगैरह हमने डाले हुए हैं आप उसको भी यूट्यूब पे अड्डा टू फोर सेवन पर जा करके पढ़ सकते हैं जितने भी साइकोलॉजिस्ट है जितनी भी थ्योरीज है जितना भी पेडोलॉजिकल कंसेप्ट है वो भी आपको बहुत फ़ायदा करेगा प्लस आप हमारे साथ लाइव भी आ सकते हैं लाइव देखते रहिए एक बजे से हम डेली आएंगे उसको भी आप देख सकते हैं तो साथियों आज हम इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं कल मिलते हैं आपसे एक बजे नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद